हाय गाइस, स्वागत है आपका आपने अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अगर हम कोई चीज स्टोरी के जरिए याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो हम आज का जो सिद्धांत है वो ऐसे ही पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1874 में हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और अगर बात करें मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, क्योंकि जो व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे प्रथम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत उन्होंने सबसे पहले दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसे क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, सिर्फ मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो वॉटसन है, और शिक्षा या शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो कौन है? थॉर्नडाइक है। क्लियर? चलिए, अगर बात करें उपनाम की, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है, उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, या इसे SR थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SR थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें प्रयोग की, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? अपना प्रयोग किया था बिल्ली पे। बिल्ली पे प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, और बिल्ली कैसी थी? बिल्ली बहुत ही ज्यादा भूखी थी। कैसी थी? एक पिंजड़े में बंद थी, बहुत ज्यादा भूखी थी। तो इन्होंने क्या क्या लिया था? बिल्ली थी। अगर बिल्ली भूखी होगी तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो क्या था? मछली। मछली थी और पिंजड़ा था। और ये जो पिंजड़ा है, इसको क्या कहते हैं? इसको पजल बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पजल बॉक्स। ये जो बॉक्स है, इसको स्किनर का जो बॉक्स है, सॉरी, थॉर्नडाइक ने जो बॉक्स बनाया था, इसको पजल बॉक्स कहा था। पजल बॉक्स। ठीक है, तो पजल बॉक्स में एक बिल्ली, बहुत ज्यादा बिल्ली जो थी भूखी थी, और बिल्ली के सामने, यानी इस जो बॉक्स के बाहर क्या रखा हुआ था? मछली रखी हुई थी, या मछली का टुकड़ा, या मांस का टुकड़ा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसे रखी हुई थी। और इसकी जो स्मेल थी, क्या हुआ? बिल्ली के पास जा रही थी। ठीक है, अब बिल्ली भूखी है तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो ये क्या था? उद्दीपक था। मछली क्या थी? उद्दीपक। ठीक है, अब क्या कर रहा है बिल्ली? इसको खाने के लिए, या कह सकते हैं इसको पाने के लिए अपने भोजन को, तो क्या कर रही थी? क्या किया इसने? बहुत सारे प्रयास किए, इधर कूदी उधर कूदी, इधर से उधर प्रयास किए। अगर इस बॉक्स के अगर
इस पिक्चर की तरह देखने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि बिल्ली ने इसको जो जाल से निकल हाथ निकाल के कोशिश करी होगी, देख रही होगी, कुछ भी है। फिर संयोगवश क्या होता है, इसका जो कुंडी पे पैर या हाथ जो भी है पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है, और क्या करती है, ये भोजन को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, पहली बार में इसने क्या कई गलतियां की होंगी, बहुत सारी गलतियां की होंगी। अगर मान लीजिए पहली बार में 50 गलतियां की हैं, तो नेक्स्ट टाइम में इसने क्या किया, गलतियों में जो है उसके प्रयास में कमी आई, और एक टाइम ऐसा आया कि एक बार में ही ये क्या हुआ, जो इस बॉक्स की जो कुंडी थी वो खोलना सीख गई, ठीक है, और एक ही बार में अपने भोजन को प्राप्त कर लेती थी, ठीक है। अगर थर्नडाइक के अनुसार इन्होंने तीन नियम दिए थे जो मुख्य नियम कहलाए। सबसे पहला था तत्परता का नियम, दूसरा इन्होंने अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम बताया था। इन्होंने पांच गौण नियम बताए थे, वो थे मानसिक स्थिति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और पांचवा है सहचर्य स्थानांतरण का नियम, ठीक है। इन्होंने पांच मुख्य नियम गौण नियम बताए और तीन मुख्य नियम बताए थे। तो जो नियम है वो कैसे निकले, थॉर्नडाइक ने सात सोपान बताए थे, सात सोपान। सात सोपान बताए थे, कौन कौन से, पहला चालक, लक्ष्य, अवरोध, अवरोध, अनुक्रिया, संयोगवश सफलता, संयोगवश सफलता, सही अनुक्रिया का चुनाव, सही अनुक्रिया का चुनाव, और जो लास्ट है वो था दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण, तो चालक क्या था, चालक हमारा था ड्राइव। चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। तो जो बिल्ली थी, बिल्ली की ड्राइव क्या थी, बिल्ली की ड्राइव थी भूख। क्या थी, भूख थी, क्योंकि वो भूखी थी। और लक्ष्य क्या था उसका, भोजन प्राप्त करना, क्या था, भोजन, इसको इंग्लिश में हम गोल कहेंगे, ठीक है, लक्ष्य को। तो लक्ष्य क्या था बिल्ली का, भोजन प्राप्त करना था। और अवरोध क्या था, पिंजड़ा, मतलब पिंजड़ा क्या कर रहा था, अवरोध उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। अनुक्रियाएं क्या थी, उछल कूद करना, अनुक्रियाएं जो बिल्ली कर रही थी वो क्या थी, उछल कूद करना। संयोग व सफलता क्या हुई थी, संयोग व सफलता क्या थी कि बिल्ली बार बार इधर उधर हाथ मार रही थी, और अचानक से उसका हाथ किस पे, कुंडी पे पड़ गया, और जो थी कुंडी खुल गई और उसे सफलता प्राप्त हुई, ठीक है।
तो क्या हुआ, संयोगवश जब सफलता हुई, जो संयोगवश सफलता से उसने क्या किया, सही अनुक्रिया का चुनाव, इसे क्या हुआ कि एकदम से कुंडी खुल गई और क्या हुआ, सही अनुक्रिया का चुनाव हो गया। ठीक है, फिर जब सही अनुक्रिया का चुनाव किया तो जब बार बार उसी अनुक्रिया को दोहराने लगी तो उसमें क्या हुआ, ध्रणीकरण आ गया। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, तो जो चालक है वो क्या थी, चालक या ड्राइव कह सकते हैं, भूख थी। जो भूख क्या कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी किसको, भोजन पाने के लिए, भोजन पाने के लिए मोटिवेट कर रही थी। तो यहाँ से क्या होता है, तत्परता का सिद्धांत प्राप्त होता है, या तत्परता का सिद्धांत यहाँ से बनता है। तत्परता यहाँ से क्या हुआ, जब बिल्ली भूखी थी, जब भूखी थी तो भोजन प्राप्त करने के लिए बार बार क्या कर रही थी, मोटिवेट हो रही थी, कह सकते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए वो तत्पर थी। ठीक है, फिर संयोग बस, जब वो भूखी थी तो बार बार उछल कूद कर रही थी, उछल कूद करने से क्या हुआ, उसका संयोग बस सफलता प्राप्त हुई। और संयोग बस सफलता क्या, यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से संयोग बस सफलता, यहाँ से बार बार अभ्यास किए, बार बार जब अभ्यास किया तो क्या हुआ, एक बार सफलता प्राप्त हुई, तो यहाँ से क्या निकला, अभ्यास का नियम बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अभ्यास का नियम। फिर सही अनुक्रिया का चुनाव, अब जब सही बार बार अभ्यास करने से क्या हुआ, बिल्ली सही अनुक्रिया का चुनाव करना सीख गई, तो उसमें क्या आ गया, दृढ़ीकरण आ गया। तो इसमें क्या हो गया, प्रभाव का नियम यहाँ से बनता है। क्या बनता है, प्रभाव का नियम। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे जो मुख्य नियम है यहाँ से निकलते हैं। फिर हम दे बात करते हैं गौण नियम की, तो गौण नियम में क्या होता है, चालक जो भूख है, बिल्ली अगर भूखी ना होती, अगर मानसिक स्थिति, मान लीजिए यहाँ से मानसिक स्थिति, अगर उसे, अगर वो उसे भूख ना लगी होती तो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती। ठीक है, तो अच्छी होती तो जब भूखी नहीं होती तो मछली को प्राप्त करने के लिए वो कोई भी अनुक्रिया नहीं करती। तो क्या होता है कि सबसे पहला निकलता है मानसिक अनुक्रिया का नियम, यही से बनता है मानसिक अनुक्रिया का नियम। मानसिक अनुक्रिया, क्लियर। अब जब बार बार अनुक्रिया करेगी, अब बहुत सारी जब अनुक्रिया कर रही है, जब बहुत उछल कूद कर रही है, तो कई बार उसने उछल कूद करी होगी, तो यहां से बहुत सारी अनुक्रिया हो रही है, तो बहु अनुक्रिया का नियम, बहु क्रिया यहां से क्या हुई, बहु अनुक्रिया हुई। सही, ठीक है, जब संयोग बस सफलता कैसे प्राप्त हुई, संयोग बस सफलता जब वो बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रही थी तो क्या हुआ, एक क्रिया ऐसी हुई कि जब बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रही थी तो उसका जब अचानक से हाथ पड़ गया तो क्या हुआ, आंशिक क्रिया, अगर कह सकते हैं इसको आंशिक क्रिया, क्योंकि जब वो बहुत बहुत बार क्या उछल कूद कर रही थी तो संयोग वश सफलता मिली। तो कैसे मिली, एक ऐसी क्रिया हुई जिससे दरवाजा खुल गया संयोग वश, तो आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का नियम। क्लियर, अब आंशिक क्रिया का नियम यहां से निकलता है, तो संयोग व सफलता से क्या हुआ, वो सही अनुक्रिया का चुनाव करने लगी। जब सही अनुक्रिया का चुनाव हो गया तो उसमें क्या हुआ, सादृश्यता का, जो सादृश्यता आ गई, यानी सही अनुक्रिया, या कह सकते हैं एक वो कुंडी को खोलना सीख गई, तो यहाँ से क्या निकलता है, सादृश्य अनुक्रिया, मतलब एक बार में ही कुंडी खोलना सीख गई, सादृश्य अनुक्रिया।
फिर लास्ट में है दृढ़ीकरण। तो दृढ़ीकरण क्या हुआ, जब सादृश्य अनुक्रिया जब करने लगी तो क्या हुआ उसमें अनुकूलन, उस क्या हुआ अनुकूलन करने लगी, क्या मछली एक ही बार में कुंडी खोलने लगी, तो क्या हुआ कि कुंडी खोल के अपने भोजन को तुरंत, जैसे उसे भूख लगती थी कुंडी खोलती थी और भोजन को प्राप्त कर लेती थी। क्या हुआ, यहाँ से निकलता है अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलन का नियम, अनुकूलित अनुक्रिया करने लगी, अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, जब उसमें दृढ़ीकरण आ गया तो क्या हो गया, अपनी क्रिया के प्रति वो क्या हो गया अनुकूलित हो गया, मतलब कह सकते हैं कि अपनी क्रिया करने का जो सही क्रिया कर रही थी उसके प्रति जो था उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, कि कह सकते हैं कि जैसे ही वो अपनी जो पिंजड़े में बंद है कुंडी में हाथ लगाएगी और कुंडी खुल जाएगी और तुरंत अपना भोजन प्राप्त कर लेगी। तो जो थॉर्नडाइक ने 7 सोपान बताए थे यहीं से क्या है, मुख्य नियम भी यहीं से निकल बनते हैं और गौण नियम भी यहीं से बनते हैं। क्लियर, तो आज की वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।